छिंदवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में चांद रोड निर्माण कार्य की अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन दिया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा छिंदवाड़ा से चांद रोड 27 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क का काम निर्धारित गुणवत्ता और मापदंडों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिसकी प्राथमिकता से जांच कर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। साथ ही छिंदवाड़ा ब्लॉक के स्वीकृत 28 सड़कों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द निर्माण की मांग रखी। 1.5 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने उसके लिए फंड मंजूर कराया था, लेकिन कोई भी जाकर देख सकता है कि आज कितना गुणवत्ताहीन उस कार्य उस रोड पर किया जा रहा है, जबकि वो छिंदवाड़ा से चांद रोड हमारी मुख्य रोड है और वहाँ पे बहुत आवागमन और बहुत ट्रैफिक रहता है। सब किसान भाई वहाँ से गन्ना लेके आते हैं और इसके अलावा भी बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन उसका काम ऐसा लग रहा है कि विभाग ने ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया। विभाग का कोई उस पर नियंत्रण नहीं बचा है और वो नियंत्रण विहीन होकर काम कर रहा है, तो उसके बारे में अभी हमने दिया है और इसके बारे में और अभी विस्तार से हमारे भाई बंटी पटेल जी आपको बताएंगे उस रोड के बारे में क्या अनियमितता हो रही। साथ में जो हमारी कमलनाथ जी ने पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में 78 रोड उनके समय में स्वीकृत हुई थी पीडब्ल्यूडी से, उसमें से 28 रोड हमारे छिंदवाड़ा ब्लॉक की भी हैं। उन 28 रोडों में आज तक कोई काम नहीं किया जा रहा। अभी हमने ये ज्ञापन दिया है और विभाग के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि उसमें फंड नहीं आया, पैसा नहीं आ रहा, तो ये बात देखने और सोचने और समझने की है कि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की सब योजनाओं को कैसे रोका जा रहा है, कैसे उन कमलनाथ जी ने वो जो योजनाएँ स्वीकृत कराई थी और भाजपा की सरकार दोहरा चरित्र अपनाकर छिंदवाड़ा के विकास को रोकना चाहती है और आज उन रोडों पर काम नहीं कराया जा रहा, जिससे हमारे गांव-गांव में लोगों को आने जाने की असुविधा हो रही है, काम रुके पड़े हैं, तो ये जल्दी काम चालू होना चाहिए। हमने ज्ञापन दिया और नहीं होगा तो आने वाले समय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो है ये पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करके और आंदोलन करेगी, तो इसकी पूर्णतः जवाबदेही जो है शासन प्रशासन की होगी। हमने यही मांग आज यहाँ पर उठाई। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।